दोस्तों इस वीडियो में हम इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि आज की डेट में यानी साल 2024 में वो ऐसे कौन से बैंक्स हैं जो सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं अगर हम एक डिपॉजिट ओपन करवाना चाहते हैं अब इस वीडियो में ना मैं आपको भारत के हर एक बैंक की मतलब एक तरह से पूरी की पूरी लिस्ट दिखाऊंगा जिसमें भारत के हर एक बैंक का नाम लिखा होगा उस पूरी लिस्ट को मैंने ना एक तरह से इस हिसाब इस से लगाया हुआ है कि कौन सा बैंक आज की डेट में सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है फिक्स डिपोजिट करवाने पर ऐसे दूसरे नंबर पर कौन सा है तीसरे पे कौन सा है ऐसे करके भारत के जितने भी बैंक है ना अंत तक उस

पेमेंट बैंक है ठीक है अब एक चीज मैं बता दूं जो पेमेंट बैंक होते हैं ना ये खुद एफडी ओपन नहीं कर सकते अगर पेमेंट बैंक किसी को ही पकड़ोगे जैसे आप पेटीएम पेमेंट बैंक को पकड़ लो इसमें एफडी तो ओपन हो जाती है लेकिन ये एक अपने साथ पार्टनर बैंक रखता है ठीक है वो किसी को भी रख सकता है इंडस्ट को रख सकता है एक्सिस को रख सकता है एसबीआई को रख सकता है किसी को भी रख सकता है तो जो एफ ओपन होती है वो पार्टनर बैंक में होती है ठीक है तो पेमेंट बैंक में एक चीज समझ लो कि डायरेक्ट पेमेंट जो बैंक होते हैं वो फिक्स डिपोजिट ओपन नहीं कर सकते ठीक है तो पेमेंट बैंक का हम इस वीडियो में जिक्र नहीं करेंगे ठीक है जी अब यहां पर मैं अब सबसे पहले तो आप

इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले नंबर पे ये है फिर ये लिस्ट कंटिन्यूड है उसके बाद ये आपके सारे के सारे के बैंक हो गए जैसे आपका आईडीएफसी फर्स्ट हो गया बंधन बैंक हो गया डीसीबी कोटक इंडियन बैंक जे सारे के सारे हो गए इसी तरह से फिर ये लिस्ट कंटिन्यूड है और यहाँ पे देखोगे आप नीचे नीचे सीएसबी बैंक सिर्फ फाइव का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है नीचे से अगर आप देखोगे पंजाब एंड सिंध बैंक सिर्फ 6.30 परसेंट यूको बैंक सिर्फ 6.5 पॉइंट फाइव परसेंट एच डी एफ सी प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े प्लेयर हैं ये भी कोई भी कुछ खास रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर नहीं करते अच्छा एक चीज और मैं आपको दिखाऊं जितने भी बैंक जो सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं ये सब के सब स्मॉल फाइनेंस बैंक है एफडी के अंदर ठीक है जी अब ये जो पूरी की पूरी लिस्ट मैंने निकाली है ना मैं आपको वही चीज बता रहा हूं कि मेरे को सात से आठ घंटे का टाइम लग गया और हालांकि ये जो वीडियो है ना कि बेस्ट बैंक फॉर फिक्स डिपॉजिट ये मैं हर तीन महीने के बाद लेके आता रहता हूं क्योंकि फिक्स डिपॉजिट के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना फिर वो चेंज होते रहते हैं तो तीन महीने बाद जब मैं वीडियो लाता हूं तो अपडेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ले आता हूं लेकिन इसके अंदर भी ना एक समस्या है अब मान लो आज मैंने ये वीडियो बना दी हो हो सकता है कि 15 दिन के बाद ही रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज जाए और कोई पंद्रह के बाद इस वीडियो को देख रहा हो तो बोले जी सर इसका क्या इलाज है देखो इसका बेस्ट इलाज क्या है ना इसका बेस्ट इलाज है स्टेबल मनी अब ये स्टेबल मनी ना एक एप्लीकेशन है ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसको मतलब अगर आप इसे इंस्टॉल करते हो ना तो पहले तो मैं आपको बताता हूं क्या दिखेगा ये कुछ ऐसे इंटरफेस दिखेगा मतलब एफडी के अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करने ना मान लो मैंने आज ये वीडियो बना दी कल रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गए ना मतलब जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होंगे ना इस ऐप के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट अपडेट हो जाएंगे मान लो आपने ये ऐप इंस्टॉल करी कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा मैं यहां आप पे आपको स्क्रीनशॉट की मदद से समझा रहा हूं जैसे यहां पे देखो फिर ये ऐसा इंटरफेस आ गया यहां पे ये सारे के सारे वो आ गए जितने भी बैंक हैं मैंने तो यहां पे आपको बैंकों के रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखे हैं ना अभी गवर्नमेंट प्राइवेट स्मॉल फाइनेंस बैंक इसके अंदर आपको बैंकों के तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे ही मिलेंगे साथ में आपको जितनी भी एनबीएफसी कंपनीज है ना वो भी सारी की सारी मिल जाएंगी मतलब ऑल टूगेदर दो से ज्यादा बैंक प्लस एनबीएफ को मिला लो दो से ज्यादा आप अलग अलग फाइनेंशियल के रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर कर सकते हो अच्छा एक आता डी आईसीजीसी का डी क्या है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ठीक है जी मैं आपको बीच में पहले ये समझा देता हूं डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ना आरबीआई की एक सब्सिडरी बॉडी है ठीक है जी अब हमारे देश में चलता क्या है कि लोग कहेंगे कि

क्या बोलता है अगर चाहे कोई प्राइवेट बैंक हो चाहे सरकारी बैंक हो चाहे स्मॉल फाइनेंस बैंक हो अगर कल को कोई भी बैंक डूब जाता है तो उसमें पड़े पांच लाख रुपए तक की गारंटी आरबीआई की जो ये सब्सिडरी बॉडी है ना इसकी है अगर कस्टमर का पैसा डूब गया तो डीआईसी कस्टमर को पैसा देगा तो अगर आपको डर लग रहा है तो पांच लाख से ज्यादा की FD मत कराओ स्मॉल फाइनेंस बैंक में भाई पांच लाख तक तो भारत भारत की सबसे बड़ी फाइनेंशियल बॉडी क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसकी सब्सिडरी बॉडी है जब वो गारंटी ले रही है तो उस केस में आपको डरने की जरूरत ही नहीं है भाई मैं नहीं कह रहा आपको मान लो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में स्म करनी है तो आप मत कराओ छह लाख की आप चार लाख की करा लो पांच की करा लो जहां तक पैसा सेफ है उतने की एफडी करवा लो बट जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा मिल रहा है मैं तो वहीं जाऊंगा मैं क्यों एसबीआई एसबीआई चल हूं सिंपल सा लॉजिक ये है ठीक है जी अच्छा अब यहां पे देखो ये जो DICGC है ना ये बोलते हैं भाई बैंकों की गारंटी तो मेरी है लेकिन NBFC की गारंटी मेरी नहीं है जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं स्टेबल मनी पे आ गया तो यहां पे आपको दिख रहा है ये सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है पांच लाख रुपए तक इंश्योर्ड है डीआईसी स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसने हर एक के ऊपर मेंशन किया हुआ है भाई ये भी लाख तक इंश्योर्ड है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये भी इंश्योर्ड है है फाइनेंस फाइनेंस जो कंपनी होगी होगी तो इसके ऊपर कहीं नहीं लिखा हुआ कि यह सिक्योर्ड है या नहीं है ऐसी बजाज पिंसा है यह भी एनबीएफसी है इसके ऊपर भी कहीं नहीं लिखा हुआ कि यह पांच लाख के लिए सिक्योर्ड है या नहीं तो इसने भी हर एक के नीचे मेंशन किया हुआ है जैसे अगर आप इसको और इलेबोरेट करोगे ना तो यहां पर देखो ये

अलग अलग चीजें दिखा रहे ये देखो क्या दिखा रहा है एक साल छह महीने का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8.55 परसेंट है और यही सीनियर सिटीजन के लिए कितना दिखा रहा है 9.05 परसेंट दिखा रहा है मतलब सीनियर सिटीजन को अधिकतर बैंक 0.5 परसेंट का एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं ना तो यहां पर मान के चलो मैं इस पर इस पर क्लिक करता हूं व्यू ओल एफ रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मेरे को हर एक टेन्योर का देखना है तो देखो यहां पर यह बता रहे हैं शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक छह महीने की एफ कराऊंगा तो छह का रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साल की कराऊंगा तो एट एक साल छह महीने की कराऊंगा तो एट पॉइंट फाइव फाइव यही मैंने आपको पीपीटी में समझाया था भी एक साल की FD पे और वैसे एट पॉइंट शिवालिक के ऊपर ये पे मैंने आपको बताया था ना एक साल की एफडी कराऊंगा तो 8.30 परसेंट है और डेढ़ साल की कराऊंगा तो ये इसका हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.55 परसेंट का मतलब 8.55 पॉइंट परसेंट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डेढ़ साल के लिए ऑफर कर रहा है यानी ये इसका बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो यहां पर तो चलो मैंने एक एक करके मैन्युअली मेहनत करके एक एक की वेबसाइट पर जाके बना दिया चलो ये इन्फॉर्मेटिव भी है मैं इसको ये नहीं कह रहा कि ये इन्फॉर्मेटिव नहीं है लेकिन चक्कर ये है ना कि आज मैंने बता दिया हो सकता है एक महीने तक रेट ऑफ इंटरेस्ट ना बदले एक महीने बाद अगर कोई इस वीडियो को देख रहा होगा तो उस केस में उसको फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना कि वो फिर कहेगा कि अब पता नहीं यही रेट ऑफ़ इंटरेस्ट चल रहे हैं या बदल गए हैं इस ऐप का फ़ायदा ये है मैं देखो मैं किसी भी ऐप को फालतू में कोई वो नहीं करता ठीक है मतलब बस ये है कि इसका ये है कि आप एफ ओपन कर सकते हो दूसरी बात ये है कि एक मिनट में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेक कर सकते हो कि कौन सा बैंक क्या ऑफर कर रहा है अच्छा एक इस ऐप का सबसे प्लस पॉइंट मेरे को पता है क्या है क्या लगता मान लो जैसे मैं ना आईसीआई बैंक को सबसे ज्यादा यूज करता हूं आईसीआई बैंक में मेरा सेविंग्स अकाउंट है अब मान लो मैं बैंक में एक तो एफ डी कर देगा मान लो मेरे को एक लाख की एफडी ओपन करनी है तो ये एक मिनट में कर देगा लेकिन मान लो मेरा जैसे बैंक में कोई भी अकाउंट नहीं है लेकिन मान लो कल को एच बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट आईसीआईसी से ज्यादा देता है ठीक है एक एक्साम्पल लेके समझा रहा हूं मान लो ये कहता है कि जी साढ़े का रेट ऑफ इंटरेस्ट

इस आपका बेनिफिट क्या है कि आप इस ऐप पे गए ठीक है मान लो आपका अकाउंट सपोज आई बैंक में आप चाहो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक एफडी ओपन कर लो आप चाहो तो आईसीआईसी बैंक में ही ओपन कर लो आप चाहो तो एचडीएफसी में कर लो आप चाहो तो शिवालिक में करो आपका जिसमें मन है ये साफ ऐप बता ही रही है साफ साफ कि कौन सा बैंक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है आपका है आपका जिसमें मन स्टेबल मनी के जरिए आप उस बैंक में अकाउंट ओपन कर लो अब मान लो एक सवाल यह आएगा भाई स्टेबल मनी सेफ है मान लो मैंने इसके जरिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट तो ओपन कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है बस एक ये, ये माध्यम का काम कर रहा है बीच में मतलब ये कस्टमर है कस्टमर को डायरेक्ट बैंक से कनेक्ट कर रहा है आप जैसे ही एफ एफडी क्रिएट होगी आपको एफ नंबर मिल जाएगा पैसा जमा नहीं हुआ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जहां एक क्लिक पे हर रोज के अपडेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाए के। ताकि कस्टमर को बहुत आसानी हो जाकर के देखने में कि आज किस बैंक का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है और उसको बार बार करना पड़े मेरा एसबीआई में तो अकाउंट है नहीं लेकिन एफडी खोलनी है तो एस में मेरे को फिर पहले सेविंग्स अकाउंट खोलना पड़ेगा क्या तो इस झिकझिक से बचने के लिए बैंक जो आप पैसा जमा कर रहे हो ना वो आपका बैंक के पास जमा हो रहा है आप चाहो तो उस एफ को कभी भी बैंक में जाके भी टूटवा सकते हो भले आपने एफ खोल दी एस में कल को आप स्टेबल मनी को अगर इंस्टॉल अनइंस्टॉल भी कर दोगे और एफडी का नंबर लेकर के एसबीआई में चले जाओगे और वहां पे रिक्वेस्ट दोगे कि इस एफडी को ब्रेक करना है तो ये काम भी आप कर सकते हो मतलब बस एक वो माध्यम का काम कर रहा है तो ये बेस्ट है मतलब जैसे अगर मैं इस इस लिहाज से देखू ना कि एफ के अगर मैं एफडी की बात करूं तो एफडी के लिए अगर आपको बार बार पता करना है कि जी कौन सा बैंक आज की डेट में बेस्ट है तो इस सवाल का सिर्फ और सिर्फ एक यही जवाब है कि ये मतलब मेरे को ना ऐप वाक्य में बहुत अच्छी लगी तो मैंने इस ऐप का एक इतना लंबा आपके सामने जिक्र कर दिया ठीक है जी बाकी इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आसानी सो से उसे आप इंस्टॉल करके अपने लिए बेस्ट एफ के रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर जब एफ करनी है उस दौरान देख सकते हो तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू